छुट्टी है जेड़ा अच्छा काम है तो अच्छा ही है जेड़ा कर रहे है उसका होना भी चाहिए। टीवी पे करते थे साक्षात अच्छा पहले जावांगे भी कोई सानू वीआईपी कार्ड दे जेड़ा इहदा कर दे तां एवें रहण गे जिंदे जी बंदा अधिक काम निमके बंदा मुक जाएगा आपां उत्थे ही रहवांगे बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग बठिंडे भी हम गए हैं टीम की टीम जाती रही है 15-20-20-50-50 लेडीज गाड़ी में जाते रहे रेलगाड़ी में पैर रखने के लिए जगह नहीं हमें तो बहुत खुशी है और रिश्तेदार भी कह रहे हैं ठहरने के लिए हमें कमरे चाहिए और हम आएंगे बहुत बढ़िया है बहुत खुशी है हमें तो। और दीप मिश्रा की कथा को आपने पहले सुना है? हम टीवी पे देखा है और टीवी पे सुनते रहे हैं और वहाँ भी गए हैं तो बहुत अच्छी लगी। तो उनके द्वारा कुछ समस्याओं को हल करने के लिए हाँ वो बताते हैं जो है। बताते हैं करते हैं जिनको समस्या है वो लोग करते भी हैं उनके वो जो बताते हैं वो भी करते हैं। तो क्या मानते हैं सिरसा में कितना रश होगा? बहुत ज्यादा होगा बहुत ही पैर रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। जो लोग सिरसा से इतनी दूर गए हैं बठिंडे तो खुद हमारे यहाँ सिरसा में आए हैं आएंगे जाएंगे सब जाएंगे। तो आप भी जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे बहुत लेडीज ये देखो हमारी कितनी टीम इतनी इतनी उम्र वाली सब जाएंगे हम तो। आंटी जी क्या कहना चाहेंगे? संदीप मिश्रा जी आ रहे हैं अच्छे वचन सुनने जाएंगे अच्छी बातें सुनने जाएंगे जो हमारे दिमाग को भी शुद्ध करेंगे। घर बैठे क्या कर रहे हैं वहाँ जाएंगे भगवान का नाम सुनेंगे भक्ति की कुछ भावना पैदा होगी खुशी होगी हमारे को दर्शन करने से भी। हाँ जी तारा बाबा जी कुटिया में पहले भी कथाएं करवाई जाती हैं लगातार प्रयास उनके द्वारा कथाओं का किया जाता है। होती रहती कोई ना कोई कांडा जी प्रोग्राम करते ही रहते हैं चलता ही रहता है इनकी तरफ से हमेशा कन्याओं की शादियां करना गरीबों को देना बांटना कुछ ना कुछ लंगर भंडारे करते ही रहते हैं बुजुर्गों के लिए स्पेशल होगा कि कहाँ कह रहे थे सुनने में तो आया भाई बुजुर्गों के लिए स्पेशल होगा। हाँ ये बड़ा ही हमारा सौभाग्य है जी और मैं इनका श्रेय जो है हमारे विधायक हैं भाई गोपाल कांडा जी और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा जी को देना चाहूँगा कि हम सिरसा वासियों का इतना ये ध्यान रखते हैं कि अभी हमारे पड़ोस पंजाब में बठिंडा के अंदर प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई थी और उस कथा में हमारे शहर की बहनें काफ़ी संख्या में जाती थी और उन्हीं बहनों ने मिलकर के गोविंद भाई साहब से बात की कि हमारे सिरसा में भी ऐसा प्रोग्राम किया जाए तो तुरंत भाई साहब जो हैं उनसे मिले प्रदीप मिश्रा जी से और हमारे सिरसा में भी ये कथा जो है 25 तारीख से शुरू होने जा रही है जो कि हम सभी सिरसा वासियों का बड़ा सौभाग्य है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे सिरसा की जनता की ओर से और हमारी महात्मा बुद्ध योग संस्थान की ओर से हमारे विधायक गोपाल कांडा जी का और गोविंद कांडा जी का कि आपकी जो श्रद्धा जो उनकी भावना है धार्मिक भावनाएं वो जो है बड़ी ही अटूट हैं कि एक महाकुंभ जो है लगने जा रहा है जिसके अंदर 4-5 लाख लोग हमारे सिरसा के अंदर आएंगे। हम सब सिरसा वालों को एक राम नाम की जो हमारे जो भगवान शिव की कथा होने जा रही है वो शिव प्रसाद हमें आशीर्वाद रूप में मिलेगा ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है और मैं पुनः एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा और जनता पूरी सिरसा जिला की जनता से प्रार्थना करूँगा कि आपसे जो भी सेवा बन पड़े कि जो कि बाहर के लोग आ रहे हैं 4-5 लाख लोग उनके लिए हम एक जो है पूरा सौहार्दपूर्ण एक ऐसा माहौल बताएं कि भी सिरसा की जनता ये आम जनता ना होकर के एक परिवार है पूरा सिरसा ज़िला हमारा परिवार है और सभी की हम जो है अच्छी सी सेवा कर पाएँ। जो भी बाहर के लोग आएंगे वो हमारे मेहमान हैं तो बहुत बड़े बड़े पंडाल बनाए हैं 3-4 पंडाल जो बहुत बड़े हैं जहाँ पर कि बुज़ुर्गों के लिए बड़ा ही अच्छा काम किया गया है कि बुज़ुर्ग लोग धक्का में ना रहें धक्का पेल लगती है कई बार धक्के लगते हैं बुज़ुर्गों को तो वो लोगों के लिए चेयर बनाई गई हैं वो चेयर पर बैठ करके आराम से और 75 के करीब वहाँ LCD लगाई गई बड़ी बड़ी कि बुज़ुर्ग लोग बड़े शांति से अपने जो है भगवान शिव की कथा का श्रवण कर सकेंगे। वहाँ लोग बाहर से आएंगे उनके लिए हमारे सिरसा में धर्मशालाएँ बुक की गई हैं होटल बुक किए गए हैं जिनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है कुटिया की ओर से खाने पीने की व्यवस्था की गई है कुटिया की ओर से और लगभग 50,000 आदमियों की हमने व्यवस्था की है रुकने के लिए सिरसा में हमारे जो है 50,000 आदमी जो है वो रह सकते हैं उनकी व्यवस्था की गई है यहाँ भाई गोपाल कांडा की ओर से तो ये बड़ा ही अच्छा है विषय हमारे लिए
और आगे भी मैं यही प्रार्थना करूंगा भाई साहब से, हमारे विधायक साहब से, कि इसी तरह की जो ये धार्मिक जो इनकी भावनाएं ये बनी रहे और आगे से आगे ऐसे साधु संन्यासी हमारे सिरसा में आते रहे। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र है जी, स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ मैं। तो क्या कहना चाहेंगे, सिरसा में भव्य कथा होने जा रही है? कथा जहाँ तक संबंध है, सिरसा तो वैसे भी एक धार्मिक नगरी है, सरसाई नाथ जी की नगरी है, धार्मिक नगरी है चारों तरफ, और हमारे लोग भी धार्मिक हैं। तो प्रदीप जी के बारे में, मिश्रा जी के बारे में जहाँ तक हमारी हमने सुन रखा है, बहुत अच्छे कथावाचक हैं ये, और नेशनल इंटरनेशनल फेम प्रचारक हैं। बड़ा अच्छा लगा, कई दिन से उत्साह हमारे में भी, हम भी वहाँ जाएंगे। और वैसे भी बुजुर्गों के लिए कहते हैं इन्होंने कुछ, गोपाल जी कांडा और गोविंद जी ने अब अच्छा प्रबंध कर रखा है। और वैसे राजनीति में होते हुए भी धर्म के साथ चलते हैं तो राजनीति अंकुश में रहती है। अगर धर्म का साथ छूट जाए राजनीति में तो उल्टा हो जाती है राजनीति। तो मेरे को तो अच्छा लगता है कि राजनीति में इनका के साथ साथ ये दोनों भाई धर्म के भी रास्ते पे चलते हैं, और अच्छी बात है सिरसा के लिए। शुभाशीष है हमारा इनको, और धन्यवाद भी है इनका कि सिरसा नगरी के लोगों लोग जो है ये इस कथा का आनंद लेंगे और अपने जीवन में उसके राम के या इनके जो प्रवचन होंगे उनके ऊपर अमल करके अपना जीवन सफल करेंगे। धन्यवाद।